कि सर कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, हमारे पास कितनी परसेंटाइल वाला दे सकता है कितनी परसेंटाइल वाला नहीं दे सकता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है ना। इसके लिए अभी मैंने आपके जो डेटा है ना ये आपको बताने का क्या है, देखो भाई जेई मेंस में जो आईआईटी कहता है कि 2.5 लाख बच्चे जो हैं जो टॉप वो बैठ सकते हैं, 2000 एलिजिबल टू सीट, पिछले साल 170,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, कई बच्चे नहीं भी बैठते हैं, उनका नहीं होता, उनको अपने नियर अबाउट एनआईटी चाहिए होता है तो वो नहीं बैठते। तो अब ये जो रैंक्स है ना, मतलब कितने स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी के 96,000 जो है वो अप्रोक्सीमेटली बच्चे पिछले साल के हिसाब से हमारे पास जेई एडवांस में बैठे थे, तो आपको ये डेटा दे रखा है कि अगर आपकी रैंक रैंक 2.5 लाख से अंदर है तो यू आर एलिजिबल, उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल क्या बनती है, तो मैंने आप 90% के आसपास अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, आपने आपको श्योर शॉट मान सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे 84-85, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में और भी बता देंगे आपको, अभी आपके पास सेकंड अटेम्प्ट बचा है, आपको ग्रोथ अगर आपको मिल जाएगी, अब जैसे मान लो कोई बच्चा सर 85% का, अब वो कहेगी सर मैं लूं या ना लूं, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में 90 से ऊपर आ गए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपके लिए टाइम फ्रेम कम बचेगा। अगर आप जानते हैं कि कुछ तबियत खराब हो गई थी सर या मैं नहीं, यदि आपको पहले से पता है कि हम 85 पे आए हैं या 84 पे आए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मान लो भाई तबियत मेरी खराब हो गई, घर में किसी की खराब हो गई, या फिर आपने बैच बहुत लेट ज्वाइन किया, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन है और आपका पोटेंशियल आपको पता है कि ज्यादा था तो आप जरूर ले और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर ले, क्योंकि फिर वही चीज ना जो प्रॉब्लम पहले की थी वो अब एडवांस के लिए ना हो जाए, आपके लिए एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल जाए आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें आपके वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। एज लिमिट हमारे पास क्या है कि जो 1998 अक्टूबर 1 के ऑन और आफ्टर जिनका जन्म हुआ है वो एलिजिबल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देखो भाई आपके एडवांस के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, जो एट प्रेजेंट इस साल जो 12वीं देगा वो दे सकता है और एक ड्रॉपर दे सकता है अगले साल का, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अगले, मैंने 2021 में दिया था 12वीं, 22 में मेरी तबियत खराब थी मैं नहीं दिया था, अब 23 में मैं दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकते, आप कंसेक्यूटिव इयर्स में ही आप दे सकते हैं, ठीक है। और 12th क्लास का जो आपका है हमारे पास वो एग्रीगेट परसेंटेज टॉप 20% एंड 75% का अच्छे से डिटेल्ड व्यू में आपको हम लोग कल बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, कई ड्रॉपर्स, ये ड्रॉपर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, कई बच्चे शायद पिछले साल अपना एडमिशन, उन्होंने भी जेई एडवांस दिया होगा, अगर आपने अपनी सीट एलोकेशन के बाद या तो फीस जमा कर दी या एडमिशन ले लिया, एक बार अगर आपने जेई एडवांस में अटेम्प्ट करने के बाद एडमिशन ले लिया, आपका अब एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता है।